जयपुर के चांदपुर स्थित गंगा माता मंदिर से सरसों के तेल के 2100 पीपे ट्रकों में अयोध्या के लिए रवाना किए गए। सीएम मदनलाल शर्मा और सांसद रामचरण बोरा ने मन से तेल के पीपों के ट्रकों को केसरी झंडी दिखाकर अयोध्या के लिए रवाना किया। ये तेल सीता रसोई में तैयार होने वाले भोजन प्रसादी के काम में लिया जाएगा। लेकिन कार्यक्रम के दौरान सीएम के आने से ठीक पहले एक हादसा हुआ। सीता माता बनी एक बालिका अचानक मंच से गस खाकर नीचे गिर पड़ी। कार्यक्रम स्थल पर श्री राम दरबार की जीवन झांकी भी सजाई गई थी। इसी दौरान सीएम मदनलाल शर्मा के आने से पहले जीवन झांकी में सीता माता बनी एक बालिका अचानक गस खाकर नीचे गिर पड़ी। हालांकि बाद में कार्यकर्ताओं और शासन प्रशासन के लोगों ने तुरंत उस बालिका को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों की देखरेख में हाल फिलहाल बालिका का इलाज चल रहा है। इस हादसे में शासन प्रशासन सहित व्यवस्थापकों की लापरवाही तो सामने आई ही, वहीं पर सीएम का 2 घंटे से देरी आना भी कहीं ना कहीं कारण रहा। सीएम करीब 2 घंटे की देरी से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, यानी भजनलाल शर्मा को कार्यक्रम स्थल पर 12 बजे पहुंचना था, लेकिन 2 बजे कार्यक्रम में पहुंचे। 11:30 बजे से बच्चे झांकियों के रूप में सज धज कर पास में बने साधु संतों के मंच पर खड़े कर दिए गए थे और सीएम के आने तक वे धूप में खड़े रहे। इतना ही नहीं, कार्यक्रम स्थल पर पीने के पानी की भी उचित व्यवस्था नहीं थी और वहीं पर धूप में भी कहीं ना कहीं तेजी थी। ऐसे में हादसा होना लाजमी था। हाल फिलहाल घायल बालिका के स्वास्थ्य में सुधार है। कार्यकर्ता और शासन प्रशासन लगातार बालिका पर निगरानी बनाए हुए हैं। एक अच्छे काम के लिए उन्होंने पहल की और ये आप यहाँ से तेल घी सामग्री सीता रसोई के लिए रवाना कर रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ, क्योंकि राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, राम हमारे आराध्य हैं और आप देख रहे हैं कि अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। इस मौके पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि आपने सुना होगा जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय सेनाएं 2 भागों में बंटी हुई थी, लेकिन वहां खाने की व्यवस्था कौन करेगा इस पर मंथन चल रहा था। तो उडुपी के राजा वहां आए और उन्होंने कहा कि मैं किसी इसमें भाग नहीं लूंगा, ये सामग्री मेरे यहां से आएगी और मैं पूरा दोनों तरफ की सेना का खाने पीने का उसका भोजन करूंगा, क्योंकि हम मानते हैं, शुरू से हम इस बात को कहते हैं कि हम आए हुए अतिथि को, अच्छे कार्य करने वाले सभी प्राणियों को, हमारे साधु संत महंत जो हमारी सांस्कृतिक हमारी विरासत हमारा सनातन उसके लिए काम कर रहे हैं, उस कार्य में आपकी सहभागिता है। मैं आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम राजस्थान वाले जयपुर वाले एक अच्छे पुण्य कार्य के लिए सहभागी बने। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद। निश्चित रूप से ऐसे कार्यों में हमारा सहयोग रहे और हम सहयोग करते हुए ऐसे पुण्य कार्य को आगे और बढ़ाएं।